थोड़ी सी आग निकालो यार, आग आग, ओए होए होए होए, एक बार फिर, एक बार फिर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। की हाल चाल तुहाडा सारिआं दा जी, होप सारे वधिया होवो गे। ते भाई इस वक्त मैं हैगा मिस्टर हब रेस्टोरेंट। मिस्टर हब रेस्टोरेंट हैगा भाई जेल रोड दे उपर, पुड्डा कलोनी है उत्थे मिस्टर हब रेस्टोरेंट आ। ते आपां आए होए आ भाई मिस्टर हब रेस्टोरेंट ते। इत्थे आपणा शेफ आ भाई, भाई की नाम आपणा? दीपक भैया नेपाल तो। ठीक है, बहुत ही वधिया प्रेपरेशन है भाई दी, बहुत सोहना, हर एक वैज नॉन वैज सारा कुछ बहुत वधिया बनाउंदा। मैं इत्थों बाहर दा सीन विखा दां। यह हैगी है जी अपने जेल रोड के उपर पुड्डा कलोनी के नाल जी मार्केट बनी हुई है। ठीक है, तुम वेख सकते हो सामने जी सारी मार्केट आ, बिरयानी कल्चर वगैरह सारा कुछ इतने ही आ। बट आप है मिस्टर हब जिहड़ा कि हैगा बिल्कुल ठेके दे नाल। ते दीपक भाई नूं कहा भी स्पैशल जिहड़ा वधिया जिहा चिकन बना के देना। बट चिकन दे विच देखो भाई, ना तो कोई ज़्यादा मिर्च पाउणी है, ना ही ज़्यादा बहुती उन्हें स्पाइसी करना, फ्राई भी तेल भी घट, सारा हैल्थी चिकन बनाउणा। ठीक है, चिकन वैसे हैल्थी हुंदा बट हैल्थी चिकन बनाउणा। तो ये भाई ने प्रैपरेशन शुरू कर दी है। एक पासे भाई हरी मिर्च खट्टी जा रही है। ठीक है, वेखो खट्टन का तरीका। आपका क्या नाम है? संदीप। संदीप आप भी नेपाल से हो? संदीप जो नेपाल से है वो जरा ना वो मिर्च कट रहा। तो मिर्च की कटिंग वेखो भाई जबरदस्त, शिमला मिर्च कट्टी आ, प्याज कट्टे आ, प्याज की वेखो बिल्कुल जो शेप होनी चाहिए है ना, बिल्कुल सेम। तो दूजे पास जो चिकन है वह कट्टिया जा रहा। सो प्रैपरेशन जी शुरू हो गई है। सो ये चिकन है जी, चिकन बड़ी साफ सुथरी भाई ने रखी हुई है। सो ये मसाला ये की है, साथ साथ में बताओ। सबसे पहले क्या डाला? रेड चिली पाउडर, फिर लून पाया। हाँ हूँ चिकन मसाला। हाँ तीन चीज़ा पाइया ने वीर ने। ठीक है, थोड़े सामने लाइव ये हैगी किचन वधिया। ये भाई किचन हैगी है रेस्टोरेंट की, तो लाइव जरा ये की है भाई गार्लिक पेस्ट हूँ पाती है जरा आप बनाया सीगा मिक्सर। तो भाई कभी इधर तो कभी उधर जा रहा, क्योंकि शेफ कितने भी जा सकता। तो अपने होम गार्ड इंचार्ज आ गए ने अपने लव जी। ठीक है, तो लव स्वागत है तुहाडा मेरे ब्लॉग च, वेलकम। तो हूँ भाई अच्छा दही भी पाया? हाँ की पाया? अच्छा बेसन मैरीनेट करके रखा हुआ, तो जो आप मिक्सर बनाया सीगा बेसन पाता। मैं थोड़ा फिर रिपीट करदा, चिकन सीगा, फिर लाल मिर्च पाई, चिकन मसाला पाया, नमक पाया, तो जो बेसन घोल के रखा हुआ वह पाता। हूँ जो चिकन है सब तो पहला हल्का जहा डीप फ्राई किया जाएगा। ठीक है, हल्का जहा फ्राई। अच्छा ऑयल कौन सा यूज़ करते हो आप? अच्छा सरसों का तेल है, वाकई यार सरों का तेल ही है। ठीक है, सरों के तेल में बई अपना जो चिकन है सब तो पहला जरा हाफ फ्राई होएगा, हाफ फ्राई करना ना, हाफ फ्राई होएगा। तो बाकी जो सीन वो आ वा। ठीक है, शिमला मिर्च, मिर्च प्याज कट्टे जा चुके हैं, हूँ इधर अदरक की वारी है। ठीक है, और नेपाल में कहाँ से हो? अच्छा, नेपाल इधर देखो, इधर मुंडा वेखो कि सोहना वा, इन्हें आने वाले समय च किड्डा, इन्हें आने वाले समय च लड्डू कि सोहना शेफ बनना है ना, स्मार्ट शेफ बनना इन्हें, कर ला बई। तो जोड़ा साढ़ा दीपक भाई आ, दीपक आप कहाँ कहाँ काम कर चुके बताना जरा? गुरदासपुर, पठानकोट, दिल्ली। गुरदासपुर, पठानकोट, दिल्ली, चंडीगढ़, कर्नाटका, हरियाणा में। ओके 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 ओके, वाह जी वाह, क्या बात है, अपना बई बहुत घैंट शेफ आ। ते ये डब्बे बारे दसो मैं थोड़ा जा, ये विच लसन ते ये विच चटनी है। अच्छा ये विच लसन अदरक दोवें आ, ते चटनी है। अच्छा मेंटोस, ओके। गाइस हुण पैन रखता ते अग बालती है। ठीक है, अपना जिहड़ा लहजा बिल्कुल देसी स्टाइल है बोलन दा, जो भी तुसीं समझना समझ लिओ। ठीक है, ते इहदे विच पाता ऑयल। ठीक है, ऑयल पाता ते नीचे जिहड़ी फ्लेम चलदी भी आ, तो तेल हो रहा अपना गर्म। हुण सब तो पहला अदरक ते लसन इहनू जिहड़ा वा ओह भुन्निया जाएगा, अदरक लसन बन रहा। तो भाई अदरक ते लसन जदों भुज गया, इहदे विच जिहड़ा मिक्सर कट्टिया सीगा आपां, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, वो सारा इहदे विच आपां पाता। थोड़ी सी आग निकालो यार, आग आग, ओए होए होए होए, एक बार फिर, एक बार फिर। भाई साहब वाह, सब तो पहला पाया इहदे विच नमक, ते फिर जीनोमोटो, नमक ते जीनोमोटो पाता, जिहड़ा तड़का बना वो गले नूं चढ़दा पिया।
ਤੇ ਸੇਕ ਕਰਤਾ ਬਾਈ ਘੱਟ ਤੇ ਇਧਰ ਬਾਈ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 70% ਹੀ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦੇ ਹਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਆ ਗਈ ਟੋਮੈਟੋ ਸੌਸ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਕਾ ਸਿਰਕਾ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ ਵੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਟੈਕਸਚਰ ਵੇਖੋ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਇਹ ਬਾਈ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਲੀ ਤੀ ਇਹ ਕਿਆ ਤਾ ਕਲਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਬਾਈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੋਮੈਟੋ ਸੌਸ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਬਾਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਤੀ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਲਟੀਮੇਟ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਕਈ ਦੀਪਕ ਯਾਰ ਦੀਪਕ ਆਗ ਨਿਕਾਲੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਾਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੀਪਕ ਬਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਵਾਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਚਰ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ ਓਏ ਹੋਏ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹ ਕੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਫਿਰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟ ਬਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਵਾਓ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੋਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਆ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਲਟੀਮੇਟ ਬਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ